हेलो डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑलरेडी हैव रीड आवर राइटिंग पार्ट, वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। एज गो फॉर द शॉर्ट राइटिंग पार्ट, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस एंड इनविटेशन। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन एडवर्टाइजमेंट। देर आर टू काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड वन एंड डिस्प्ले वन। नॉर्मली क्लासिफाइड हैज इट्स ऑन डिफरेंट फॉर्मैट एंड डिस्प्ले वन हैज डिफरेंट फॉर्मैट। द डिफरेंस इज दैट स्पेशली टू गो फॉर द क्लासिफाइड, द मीनिंग इज वेरी क्लियर दैट इट्स ए टाइप ऑफ कॉलम and newspaper, where we always pay attention on the space. We have to use every word space very carefully. And choice is yours, you could draw the box either not. But whatever you write, the thing must be very clear. Either there is box or not, it doesn't matter. But give a title, for sale, for purchase. There are two sales here, one is this one and one is that one. Which word should I use for the title? Title के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करें? S-A-L-E sale और S-A-L-E sale. S A L E sale. Why? Any of you knows the meaning of this word? Any of you? कोई भी खड़ा होगा इन वर्ड का मीनिंग बताओ मुझे। The meaning of the sale is बेचना. And the meaning of sale is yes, friends. A little bit mistake could not be excused. Suddenly, I'll expel it from the class if you will be fine. Be serious. If you are unquiet, say excuse me, sir. Raise your hand. I'll solve it. No fun. So, dear friends, this is a verb. This is noun. बिक्री. ये सामान जो है बिक्री के लिए है. और this is the verb बेचना. So here we always use S-A-L-E sale. बिक्री के लिए वट एवर इज देयर, कोई मकान है, कोई व्हीकल है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वट एवर थिंग इज दैट। इन दैट इसमें होता क्या है, आप सबसे पहले टाइटल देते हैं, फिर जो आइटम आप सेल आउट करना चाह रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण, संक्षिप्त विवरण, शॉर्ट विवरण, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जस्ट लाइक बुक, क्या आइटम है, किस मॉडल में है, किस कंडीशन में है, क्या चीज है, क्या मॉडल नंबर है, किस कंडीशन में है, किस कलर में है, किस माइलेज के साथ है, इज अवेलेबल फॉर सेल, ये चीज इस नंबर के साथ, इस मॉडल नंबर में, इस माइलेज के साथ, इस कंडीशन में, इस कलर के साथ, स्पेशल फीचर के साथ, इज अवेलेबल फॉर सेल। एक सेंटेंस पूरा हो गया। Whoever wants to purchase can contact at this number. यहां हमारा टास्क समाप्त हो जाता है। अब आप ये लाइन के सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, यदि बॉक्स बना जाए, और लास्ट की लाइन लास्ट में ही ड्रॉ करते हैं जहां आपका बॉक्स समाप्त होता है। इस तरह यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां तक लिखते हैं, मिलाकर बिल्कुल इसको
और लास्ट में जहां आपका मैटर समाप्त होता है वहीं ब्लॉक कर देते हो। एक लाइन कभी एक्स्ट्रा स्पेस कहीं खराब ना हो, स्पेशली योर टाइम फॉर द क्लासिफाइड एडजमेंट दैट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन एवरी वर्ड। इन शॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्राइब ओवर देयर, हर चीज वहां डिस्क्राइब होनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, फैक्टफुल जितने बातें बताई गई हैं उसमें वो होनी चाहिए। सपोज दैट आपका कोई हाउस है और वो बिक्री के लिए है। वन मोर थिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ यू हैव असाइनमेंट व्हाट एवर द पब्लिकेशन इज देयर। आप में से कितने बच्चों के पास असाइनमेंट है किसी भी पब्लिकेशन का, हो रेज द हैंड वन जस्ट लाइक दिस वन। कम डाउन, इट्स ओके। दोज फ्रेंड्स डोंट हैव, दे कुड गो थ्रू ऑनलाइन और कुड गो थ्रू यूट्यूब, देर आर सो मेनी सिलेबस और असाइनमेंट, यू कुड फाइंड आउट द फॉर्मेट फ्रॉम देयर। क्लियर गाइस, जो आप यहां पढ़ते हैं उसे आप बुक्स के माध्यम से जरूर पढ़ें। उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि यदि आपको वॉन्टेड के लिए है एडवाइस तो इस तरह की बातों का ध्यान रखना है, सेल परचेज के लिए है तो इन बातों का ध्यान रखना है, सिचुएशन वैकेंट है तो इन बातों का ध्यान रखना है, इन पॉइंटों का ध्यान रखना है, वो आपको स्टडी करनी है। इसलिए आप असाइनमेंट जरूर करें। आप सपोज माना कि कोई हाउस है और आप उसे बेचना चाहते हैं, देन हाउस के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि भाई इस एड्रेस पर सबसे पहले एड्रेस दीजिए, इतने स्क्वायर फीट एरिया में, इतने एरिया में बना हुआ एक घर, इतने इस एड्रेस पे इतने स्क्वायर फीट में एक घर है, उसके अंदर इतने बेडरूम है, ये फैसिलिटीज है, ड्राइंग रूम है और सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, कितने फ्लोर है, वेल फर्निश्ड, अच्छे से फर्नीचर है कि नहीं है, थोड़ी फर्निश्ड है और वेल फर्निश्ड है, वेल वेंटिलेटेड, हवादार है, विद पार्किंग, पार्किंग के साथ है। इन दैट उस कॉलोनी से मालूम पड़ जाता है यदि इसमें कोई स्कूल है नहीं, कोई ब्रांडेड कोई स्पेशल अप्रूव्ड कॉलोनी है और वैसे ही दर्जन कॉलोनी है, एड्रेस इसलिए जरूरी होता है। नियर एक दो स्थान को जो जिस तरह हम कॉलोनी में मकान के लिए क्या इंपोर्टेंट है, हमारा जहां घर हो वहीं पास में स्कूल भी हो, पास में कोई हॉस्पिटल हो या हम मेन रोड के आसपास हो, तो इस तरह कोई फैसिलिटी है उसको बताइए। नियर दैट स्कूल, उस स्कूल के बहुत ही पास, नियर दैट रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट के पास, इज अवेलेबल फॉर सेल, सेल के लिए उपलब्ध है, सेल के लिए उपलब्ध है, इंटरेस्टेड पर्सन कैन कॉन्टैक्ट एट दिस एड्रेस एट दिस नंबर, इस नंबर का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों ये बात समझ, ऑफकोर्स आपको सबको दिख रहा है, बच्चा यदि आ रहा है वो आएगा बैठेगा, डजंट मैटर, जस्ट यू मस्ट हैव योर अटेंशन। इंग्लिश क्लियर गाइस? यस सर। एडवर्टाइजमेंट क्लियर हुआ? यस सर। फोर से सपोज दैट किराए के लिए है, आपने मकान बनाया और आपसे किराए के लिए किराए पर चढ़ना चाहते हैं, देन यहां टाइटल क्या बनता है बच्चों? और इस टाइटल को बोल्ड कर देते हैं, आई मीन ओवर राइटिंग, जैसा आपने लिखा एक बार फिर उसको पेन चलाइए, इससे वो थोड़ा बोल्ड हो जाता है। एक लाइन में मिलाकर टाइटल लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इस लाइन से मिलाकर, यदि बॉक्स बिना हो तो इस तरह दिखाई देना चाहिए। सपोज देयर इज नो बॉक्स, देन आप वर्ड टू वर्ड डिक्टो लिखें और यहां तक लिखें इसको स्पेस, इस तरह स्पेस, और जहां आपका मैटर समाप्त होता है वहीं रोक लें। ऑल्सो गुड, ये आपका एडजस्टमेंट है। अब किराए के लिए खाली है, टू लेट, वही इतने स्क्वायर फुट एरिया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, कोई होल है, कोई होल किराए पे लेना है, पूरा मकान किराए पे लेना है, यदि पूरा मकान है तो एड्रेस एड्रेस इस एड्रेस पे, एक न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ घर,
इतने रूम, किचन, बेडरूम और स्टोरूम के साथ अच्छे से पेंट किया हुआ, न्यूली पेंटेड, विद वेल फर्निश्ड, विद पार्किंग और इफ अवेलेबल और नॉट, बेसमेंट इज अवेलेबल फॉर रेंट, किराए के लिए खाली है, उपलब्ध है। इतनी बातें जो मेन मुख्य बातें हैं आगे की। एक्सपेक्टेड रेंट इज, जो रेंट की आशा की गई है वो है 25,000 पर मंथ। सर्विसमैन विल बी प्रीफर्ड, जो सर्विसमैन है उनको प्रीफर किया जाएगा, इट मीन्स उन्हें वीजा दी जाएगी। Whoever wants to contact, whoever in the need, जो भी जरूरत में है, whoever is in the need, can contact at this number। वहीं अपनी बात स्टॉप कर। अब आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आया, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन, कहीं भी कोई भी ओवरराइटिंग ना हो, ओवरराइटिंग बस एक बार यहां नीट एंड क्लीन के साथ। 4 मार्क्स ऐसे नहीं प्राप्त होते, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बात क्लियर होगी सभी को, समझ आया। सपोज दैट आप कोई व्हीकल है वाहन, तो वाहन के बारे में वही बात है कि एक वाहन है, इतने पुराने मॉडल का है, इस माइलेज के साथ, इस कंडीशन में, इस कलर में उपलब्ध है। ये तो सेल और परचेज के लिए। सपोज आपको परचेज करना है, तो अब आप परचेज के लिए कहेंगे कि एक नया बना हुआ घर इस एरिया में, पॉश एरिया नीड, हूएवर हैज मेड कुड कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर, जिस जो इंटरेस्टेड हो देने के लिए वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। इट मीन्स इन 2 or 3 सेंटेंसेस वी हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग, 2 or 3 वाक्य में सबको डिस्क्राइब करना होता है। इसमें अपनी तरफ से बार बार कोई सेंटेंस न लिखे, और जो एग्जाम्पल्स हैं सोल्ड हैं, उन 1, 2, 3, 4, 5, 7 पढ़िए, पढ़ते पढ़ते हमें यह मालूम पड़ जाता है किस प्रकार अटैचमेंट ना हुआ है, हम उसे इसे ड्रॉ करते हैं। ये बात क्लियर होगी। सपोज कोई मैरिटल स्टेटस के लिए नीड ब्राइड और दुल्हन चाहिए, ग्रूम चाहिए, धन उस प्रकार जिसके लिए चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन यहां होता है। फीमेल पार्टीज है, दे नीड ब्राइड ग्रूम, धन दे विल एक्सप्लेन। अगर फेयर इन कलर विथ दिस एज विथ दिस क्वालिफिकेशन नीड अ हैंडसम बॉय वेल सेटल शुड बी एनराइड गुड कॉन्टैक्ट एट दिस मंथ, यानी कि पहले उस लड़के का डिस्क्रिप्शन दो इस तरह की लड़की के लिए, एक लड़का चाहिए इस तरह का। Someone is interested, could contact there. वो इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं डाउन नहीं मानता। थिंग इज दैट जब आप पढ़ेंगे आपको उन चीजों की जानकारी हो जाएगी, इसलिए अब आप एक क्वेश्चन लिखें और उसे अभी इसी वक्त बनाएं। समझ आ गया? राइट क्वेश्चन प्लीज एवरीवन। लिखो बच्चों, you propose to sell your flat I want pin drop silence please right you propose you propose to sell your flat
एज यू आर गोइंग अब्रॉड यू सपोज टू सेल योर फ्लैट एज यू आर गोइंग अब्रॉड ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर इट टू बी पब्लिश्ड इन डेली टाइम्स ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर इट टू बी पब्लिश्ड इन डेली टाइम्स अंडर द क्लासिफाइड कॉलमन एज यू आर लिविंग सेक्टर 15 अंडर क्लासिफाइड कॉलमन एज यू आर लिविंग इन सेक्टर 15 ग्रेटर नोएडा कॉलमन एज यू आर लिविंग सेक्टर 15 ग्रेटर नोएडा One more thing. Second question. You want to sell out your old car. You want to sell out your old car. Maruti Alto model 2015. Place an advertisement while giving relevant detail There are two questions. Narrate them.